और इसके साथ ही भाजपा ने सिवाना विधानसभा क्षेत्र से हमीर सिंह भाईल को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। अब ऐसे में हमारे संवाददाता कमरुद्दीन ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। तीसरी बार हमीर सिंह भाईल को टिकट मिला है, जानते हैं उनको टिकट मिलने के पीछे क्या राज है और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी पार्टी में और आगे चुनावों में क्या इनका रहेगा। मैं सबसे पहले तो सिवाना विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और हमारे यहाँ के जिला के और हमारे मंडल के कार्यकर्ता, चाहे जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो और समस्त विधानसभा के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथी और मातृ शक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में जो टिकट जैसे दिया जाता है तो वो एक जनता की आवाज पे दिया जाता है। तो मेरी विधानसभा की जनता, 36 कोम की जनता ने अपनी जो दिल की जो आवाज थी वो शीर्ष नेतृत्व तक, जिला लेवल तक पहुंचाई, जिला के बाद में प्रदेश लेवल तक पहुंची और वह राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचने के बाद में पार्टी ने जो विश्वास, जनता की आवाज पे जो विश्वास किया, मैं एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में सदाबहार काम करीब 35 साल से कर रहा हूँ, 40 साल से कर रहा हूँ, तो पार्टी ने मेरे पे विश्वास जनता के आधार पे किया है और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के 36 कौम की जनता का कि जनता के विश्वास में जो पार्टी ने विश्वास किया तो इसको कायम रखने के लिए भी जनता, मुझे विश्वास है कि ये पूरा कायम रखकर सिवाना जो भाजपा का गढ़ है ये गढ़ बनाए रखेगा और बहुत अच्छा वोटर से जिताकर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, कमल की विजय होगी। यहाँ कार्यकर्ता काम करने वाला और समस्त कार्यकर्ताओं की वजह से ये आवाज थी, उस आवाज के हिसाब से मैं तो एक सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ये जनता की जो आवाज थी, हमारे युवाओं की आवाज थी कि नहीं, भाजपा को जिताने के लिए इसको एक बार अवसर देना चाहिए, इसलिए मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ